कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बोल के हमें बताएं कि जापान में ट्रेडिंग कंपनीज इतनी बड़ी क्यों होती हैं। दस साल पहले तो डोमेस्टिक मार्केट में तो पेपर मर्चेंट ज्यादा ज्यादा सेल्स चैनल होते हैं, तो इसलिए अब डोमेस्टिक डिमांड कम होते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए पेपर मर्चेंट हम कर रहे हैं। लेकिन जापान में सिर्फ पेपर के दुकानदार बड़ी ट्रेडिंग कंपनी नहीं होती, बल्कि ट्रेडिंग कंपनीज ओवरऑल जापान में बड़ी बड़ी होती हैं। बाकी सारी दुनिया में ट्रेडिंग कंपनीज छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। जापान में अभी भी ट्रेडिंग कंपनीज मारिजूमी कॉरपोरेशन, मारिजूमी बैंक भी है आप लोगों का ना, आप मैनूबी मैरूबी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, आपने अभी भी बताया कि एनर्जी भी है, फलाना भी है। सो ट्रेडिंग कंपनीज क्यों इतना बड़ा होता है? बाकी दुनिया में हम यूरोप में देखते हैं ट्रेडिंग कंपनीज छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। जी बता रहे खत्म हुई, उन्होंने दोबारा से उसको रिऑर्गेनाइज किया, तो जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने कंसंट्रेट किया मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, इंग्लिश बोलने वाले और आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया जो कि बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। 45 साल तक देखे ना, बिल्कुल कुछ भी हिस्ट्री नहीं है 60 ईयर्स समय, तो उन्होंने लोगों को ट्रेन किया, और तो वो काम जो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा वो ट्रेनिंग कंपनी ने संभाल लिया और वो ये काम करना शुरू कर दिया। और जो लोकल जो थे, मतलब जापानीज इंजीनियर्स जो हैं, वो दे आर्टी कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर के पास अच्छी स्किल है, लेकिन ट्रेडिंग की निकी स्किल नहीं है, तो दे डेवलप ट्रेडिंग कंपनी। बट व्हाट इज द, अब क्या ट्रेंड है? अब तो ट्रेडिंग कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही हैं और मैन्युफैक्चरर्स खुद ज्यादा बेच रहे हैं, हाउ इज इट लाइक, अब क्या ट्रेंड होगा? वुड ट्रेडिंग कंपनी स्टिल इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लाइक टोयोटा है, तो टोयोटा इस दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी है ना, किसी भी चीज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा है, गाड़ियों की भी नहीं ना, तो अब टोयोटा तो किसी ट्रेडिंग कंपनी के जरिए नहीं बेचता ना, तो इसी तरह से अच्छा ओके वो भी उनकी ट्रेडिंग, उनका एक ट्रेडिंग आर्म है अलग। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उनका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि जिसमें ट्रेडिंग को वो हेल्प आउट करते होंगे। हमारा ये टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा, हाँ मजबूरी उसकी वजह से ये बहुत बड़े पावर बहुत आ गया, जो जिसको जो चाहे ना बेचे फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये 3 कंट्रीज मेरे हैं, वो 4 आपके हैं, चले। तो आपने जो है वो उर्दू सीखा कौन सी यूनिवर्सिटी में? आपका कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ आपने उर्दू सीखा? पंजाब यूनिवर्सिटी में आप रहे, ओके। तो और आपने वहाँ पे इतना अच्छा उर्दू बोल लेते हैं कि हमें आपने हैरत ज़दा कर दिया। It's an edgeable language. If I would have been knowing Japanese, you would have been much familiar, much more familiar with me. Okay, चले, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।